दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम का आंसर की देखेंगे दोस्तों। आज 10 अक्टूबर 2021 को हुआ उसका एग्ज़ाम का दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न का आंसर संदेह लगता है, गलत लगता है, या आपको कोई भी आंसर में संकोच होता है दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताएं कि यह इस प्रश्न का आंसर यह होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और आपको सही आंसर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें आपके सभी दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सीजी वैकेंसी न्यूज को। यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को जो है निर्देश देने का अधिकार है। इस प्रकार दोस्तों, इसका आंसर मतलब यहाँ पर दो रहेगा, मतलब बी, 2 और 3, इस प्रकार से दोस्तों। इसके पश्चात हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आंसर रहेगा, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ हमें, तो इसका आंसर दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर केवल 2 और 3 रहेगा। तो फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, आर्थिक मंदी के तीसरा प्रश्न है आर्थिक मंदी के संबंध में, तो इसका दोस्तों सही आंसर बी रहने वाला है, सार्वजनिक परियोजना में व्यय में वृद्धि करने के संबंध में। इसी प्रकार दोस्तों, चौथे प्रश्न को देखते हैं जिसमें कथन दिया गया है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। तो इसका दोस्तों आंसर यहाँ पर देख सकते हैं सी, 1 2, यानी कि यहाँ पर सी में रहेगा, 1 3 4, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा दोस्तों। अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर गलत लगता है तो कमेंट करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों पांचवे प्रश्न पर शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पांचवे प्रश्न का आंसर रहेगा, अगर आपका कोई अन्य सेट वाला प्रश्न पत्र है तो इससे मिलान कर लें, और यहाँ पर केवल 2 3 रहेगा इसका सही आंसर। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, छठे प्रश्न पर है, भारतीय सहकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन से किसे किनसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है यहाँ पर डी, 1 2 3, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर है कि सातवें पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 1 2 3, मतलब ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले पर देखते हैं, आठवें प्रश्न पर, इसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि यह अनिवार्य रूप से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर आपको देख लेना है यहाँ से डी, 2 और 3, यहाँ पर दोस्तों 2 और 3, घरेलू मुद्रा और व्यापार संतुलन में सुधार के लिए। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में काले कानून के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर जो कर और वंचन के कारण राजकोषीय हानि, इस प्रकार मतलब डी इसका दोस्तों 9वें का सही आंसर यहाँ पर डी रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, 10वें में निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रा स्फीति कारक हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, मतलब डी इसका दोस्तों आंसर रहने वाला है इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे किसी भारतीय यानी कि अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक में वृद्धि है। तो यहाँ पर जो डी इसका सही आंसर डी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। इसी प्रकार दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मांग प्रति मुद्रा स्फीति, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर आपको यह वृद्धि में निम्नलिखित में से कारणों से होती है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति या वृद्धि किन कारणों से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आपको सही आंसर मैं बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों केवल 1 2 3, यानी कि मतलब 1 2 और 4, इस प्रकार से। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें। फिर दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के यानी कि संदर्भ में 13वें प्रश्न का। तो यहाँ पर दोस्तों 13 प्रश्न का आंसर केवल 3, इस प्रकार से रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, वाटर क्रेडिट के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर यहाँ पर देखेंगे तो सी, यहाँ पर 1 और 3। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है 15वां, भारत में अंतिम उदारदाता यहाँ पर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इस प्रकार से इसका आंसर आपको दोस्तों यहाँ पर डी रहने वाला है, डी मतलब 3, केवल 3। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार, इस प्रकार दोस्तों इसका आपको आंसर देना है यहाँ पर दोस्तों। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया है ताम्र प्रगलन संयंत्र में के बारे में चिंता का कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों
इसका आंसर डी यानी कि 1, 2, 3 इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगला प्रश्न भट्टी तेल के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों भट्टी तेल के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा यानी कि यहाँ के बी इस प्रकार से दोस्तों 2 और 3। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर ब्लू कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है इस प्रकार से पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर इस प्रकार से ए रहना है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन के यानी कि दोस्तों जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है, मतलब प्रकृति में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मशरूम यहाँ से दोस्तों यानी कि इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ दोस्तों आप आंसर देख सकते हैं यहाँ से 2 और 3 इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मच्छर को उत्पन्न करने में एलिफेंट घास, कांग्रेस घास, नट घास, यहाँ पर लेमन घास इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर यहाँ पर विचार कीजिए बोल रहे हैं, कॉफी डॉट, साइनोबैक्टीरिया, डायनर, इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसी प्रकार दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, वनों पर निवार का घोषणा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डी इस प्रकार से इसका सही आंसर 2 और 5। फिर दोस्तों 25वें पर तांत्रिक अफवाह, तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर यानी कि ए रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यन भोजी फिल्टर है, इस प्रकार दोस्तों। फिर 27वें का देखते हैं, यहाँ से जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें भट्टियों के अपचय चक्र में प्रवेश करने के पोषक तत्व मुख्य स्रोत है। फिर दोस्तों 29वें प्रश्न का आंसर देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों UNIP द्वारा, तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर दोस्तों डी रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, 33वें को इस प्रकार से पूछा है, निम्न समूह में किस ऐसे जाति होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। इसी प्रकार दोस्तों मुरैना के समीप इसी चौथी योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के यानी कि दोस्तों संबंध में, तो इसका दोस्तों सही आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है, 1 और 4। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर धौला वीरा इस प्रकार से ए इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों 33वें का सही आंसर देखें, तो यहाँ पर दोस्तों 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों 33वें का। फिर दोस्तों 34वें का आंसर हम लोग का भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी प्रकार दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ से 38वें का आंसर देखते हैं, इल्तुमिस के बारे में है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर डी रहने वाला है, जो प्रश्न छूट गए तो उसको उस प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 39वें का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें दोस्तों इसका आंसर नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार 40वें प्रश्न का हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 3 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर कि प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में भवभूति इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है बी, नाटककार। फिर दोस्तों 42वें का आंसर, 42वें का आंसर दोस्तों केवल 2 इस प्रकार से रहने वाला है। फिर दोस्तों 43वें का आंसर, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सी सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर अगले प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है, इनमें से कौन से अंग्रेजों में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम फ्रीजन से संबंध है। दोस्तों इसका आंसर आपको 44वें का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, मध्यकालीन के बारे में, तो इसका दोस्तों डी सही आंसर रहने वाला, परगना सूबा सरकार इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन से सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, केवल यहाँ पर दोस्तों जो संबंध थी जो बाद में बिथुवेन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों 47वें का सही आंसर जो ऑफ निवेशक भारत के संबंध में, तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज इस प्रकार दोस्तों। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम 50वें का आंसर देखें, तो 50वें ना तो 1 है ना ही 2 है, इस प्रकार दोस्तों पूछा गया है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर
स्थाई कृषि फार्म कल्चर के संबंध में, तो इसका दोस्तों आंसर रहने वाला है यानी कि D 2 से 3। इसी प्रकार ताड़ तेल के संबंध में है, ताड़ तेल के संबंध में 92 का आंसर ए केवल 1 और 3 इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में, तो यहाँ पर जो सतलुज नदी इसका सही आंसर रहने वाला है डी। फिर दोस्तों 94 का आंसर अगर हम देखते हैं डीडवान कुआन सरगोल एंड खाटू किनके लिए प्रसिद्ध है भारत के संबंध में, तो दोस्तों यह बीर इसका सही आंसर रहने वाला। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से नदियों पर विचार कीजिए, तो इसका दोस्तों आंसर यहाँ पर B 2 और 4। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, फिर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर 56 का आंसर केवल 1 और 3। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल न्यूनतम जल दक्ष है, तो यहाँ पर दोस्तों बाजरा यानी कि बाजरा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर केवल एक और, जो यह पर प्रश्न उच्च कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र के बारे में। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जलवायु अनुकूलन कृषि, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया, यहाँ पर जो पत्ती कूड़ा यहाँ लीफ लीटर, तो यहाँ पर दोस्तों सी इसका सही आंसर रहने वाला है मैग्रोवन। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर हम लोग सावन की वनस्पति के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर यानी कि दोस्तों यह पॉइंट के बारे में, तो इसका सही आंसर दोस्तों 2, 3 और 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं पृथ्वी ग्रह पर जल के संबंध में, तो यहाँ पर दोस्तों केवल यहाँ पर 2 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर 64वें का देखते हैं, 64वें का आंसर दोस्तों ग्रेनेड एंड सिस्ट। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से पुनः संयोजन के बारे में, दोस्तों इसका आंसर ना तो एक ना ही दो इस प्रकार से रहने वाला है। फिर दोस्तों अनुवांशिकी रोग के संदर्भ में, तो यहाँ पर दोस्तों केवल 2 इस प्रकार से रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 67वें का, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों केवल 1 और 2। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं जीवाणु के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जीवाणु कवक विषाणु के बारे में, तो इसका आंसर दोस्तों 2 और 3 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, फिर दोस्तों आपको 77वें का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर दोस्तों 71वें का अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर दोस्तों जल किसी अन्य द्रव के अपेक्षित पदार्थों को घोल सकता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों यह डी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर सोडियम बत्ती प्रकाश को 360 डिग्री, तो इसका आंसर दोस्तों बी रहने वाला है केवल 2। फिर दोस्तों ACE के बारे में पूछा गया है दोस्तों 73, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर बिस्नॉल के को जो दोस्तों जिस कारण का है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर यहाँ पर आपको देना है यहाँ पर दोस्तों पॉलीएथीन टेफ्लॉन। फिर दोस्तों यहाँ पर देता है निम्नलिखित टाइलोक्लोसेन के विद्यमान, तो यहाँ पर दोस्तों खाद्य निरीक्षक के बारे में खगोलीय दूरियों का, यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर सी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आया 77वें का, 77वें का दोस्तों आंसर हम लोग देखें तो 1, 2 इस प्रकार से रहने वाला, जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं संघ सरकार के संबंध में, तो यहाँ पर दोस्तों कुट के बारे में पूछा गया है, तो इसका दोस्तों आपको आंसर आपको देना है कमेंट। सो यहाँ पर 79 का आंसर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार कहा गया, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 21। फिर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस प्रकार दोस्तों 3 कथन दोस्तों पूछा गया, इन कथनों का आंसर केवल 2 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए शहर का अधिकार के बारे में, तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर 2 और 3 रहने वाला है, मतलब 2 और 3 इस प्रकार से। फिर दोस्तों यहाँ पर 82 का आंसर हम लोग देखें, तो भारत के संदर्भ में पूछा गया, जिसका आंसर दोस्तों केवल 1 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों सी रहने वाला 1 और 2। फिर दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों यहाँ पर सी आंसर सही रहने वाला है। फिर दोस्तों कानून को लागू करने के संबंध में विधान, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 44 रहने वाला है, समानता का अधिकार। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में है, तो इसका दोस्तों सही आंसर सी रहने वाला है इस प्रकार से। फिर दोस्तों निम्नलिखित कौन सा राज्य शब्द को सर्वोच्चतम रूप से परिभाषित करता है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मैं बता दूँ, इसका सही आंसर दोस्तों बी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर दोस्तों केवल दो रहने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर 89 का आंसर भारत के संदर्भ होने दीन कथन पूछा गया, इन कथनों को अच्छे से पढ़ने के पश्चात कौन सा सही है कहा जा रहा है, दोस्तों यहाँ पर केवल एक। फिर दोस्तों अगला प्रश्न 90, निम्नलिखित कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता के सर्वोच्चतम सुरक्षा के नियत है, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर देखें शक्तियों का पृथक्करण। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के संदर्भ में धन का केंद्रीकरण किसका उल्लेखन है, तो इसका दोस्तों समानता का अधिकार इस प्रकार से। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न में भारतीय में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है, तो इसका दोस्तों सही आंसर बी इस प्रकार से एक विधि अधिकार। तो दोस्तों आपको जो भी प्रश्न का आंसर गलत लगता है तो बिल्कुल कमेंट करें बेझिझक। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय वास्तविकता संविधान की स्थिति क्या थी, तो दोस्तों यहाँ पर बी इस प्रकार से दोस्तों सही आंसर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधानिक सरकार का आशय इस प्रकार से, तो यहाँ पर दोस्तों डी रहने वाला, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। फिर दोस्तों भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुरई पद किससे संबंधित है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से इसका आपको आंसर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से डी इसका रहने वाला। फिर दोस्तों अगले भारत रत्न पर और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दोस्तों तीन कथन दोस्तों दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है। फिर दोस्तों सी में एक और दिन कहा गया है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो कथन एक और कथन दो को पूछा गया है, तो इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। फिर दोस्तों वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरिक विश्व खेल पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ से सी 1, 2, 3 इस प्रकार से रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में विचार कीजिए बोला जा रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार से इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यहाँ पर 100वें प्रश्न का आंसर सी रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंतिम दौर में पश्चिम वाली टीम का निर्धारण के जीते हुए मैचों की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर स्थान इंग्लैंड सुपर था क्योंकि इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे, दोस्तों इसका सही आंसर यानी केवल दो रहने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से आंसर से दोस्तों हमारे तरफ से हम आंसर देने का कोशिश किया, अगर कोई भी प्रश्नों का आंसर आपको गलत लगता है तो दोस्तों अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।